ये रिश्ता क्या कहलाता है, नायरा की जिंदगी। नायरा ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक मुख्य किरदार है। यह शो गोयनका परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच के रिश्तों पर आधारित है। नायरा अक्षरा और नैतिक की बेटी है, जो शो के शुरुआती किरदारों में से हैं। नायरा की कहानी प्यार हानि परिवार और आत्मखोज से भरी हुई है। यहाँ नायरा के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्यार और विवाह। नायरा को कार्तिक गोयनका से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उनका प्यार मजबूत बना रहता है। उन्हें कैरव और सीरत नाम के दो बच्चे होते हैं। हानि और त्रासदी। नायरा को अपने जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ता है। वह अपनी माँ अक्षरा को खो देती है। कार्तिक के साथ उसकी शादी टूट जाती है। उसे सीरत की मौत का भी सामना करना पड़ता है। परिवार और रिश्ते। नायरा अपने परिवार के लिए बहुत समर्पित है। वह अपने बच्चों कैरव और सीरत के साथ मजबूत बंधन रखती है। वह अपने ससुराल वालों गोयनका परिवार के साथ भी अच्छे संबंध रखती है। आत्मखोज। नायरा एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है। वह जीवन में कई चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह खुद को खोजने और अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। नायरा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक प्रेरणादायक किरदार है। नायरा और कार्तिक की प्रेम कहानी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा और कार्तिक की प्रेम कहानी भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय प्रेम कहानियों में से एक है। यह कहानी दो युवाओं के बीच की है, जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। नायरा एक जीवंत और स्वतंत्र युवती है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ है। कार्तिक एक सफल व्यवसायी है, जो अपने परिवार और करियर को लेकर गंभीर है। जब नायरा और कार्तिक की पहली बार मुलाकात होती है, तो वे एक दूसरे को नापसंद करते हैं। हालांकि समय के साथ वे एक दूसरे के व्यक्तित्व और मूल्यों की सराहना करना शुरू करते हैं। वे एक दूसरे के लिए एक मजबूत दोस्ती विकसित करते हैं, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। नायरा और कार्तिक की प्रेम कहानी कई चुनौतियों का सामना करती है। उनके परिवार दोस्त और समाज उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें कई गलतफहमियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन नायरा और कार्तिक अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए दृढ़ हैं। वे एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी हार नहीं मानते। अंततः नायरा और कार्तिक सभी बाधाओं को पार करते हैं और शादी करते हैं। उनकी शादी एक खुशी खुशी जीवन की शुरुआत है, जो प्यार हंसी और परिवार से भरा है। नायरा और कार्तिक की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों का पीछा करें और कभी भी हार न माने। नायरा और कार्तिक की प्रेम कहानी ये रिश्ता क्या कहलाता है के दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह कहानी कई लोगों के दिलों को छू गई है और उन्हें प्यार और जीवन के बारे में सिखाया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में उसकी कहानी में और भी बहुत कुछ है।